अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो मेहमान कदरदान। ये भाई इतना हंस क्यों है, इतने लड़के हुए हैं जमा, खैर है? आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है। कौन आ रही है आज? वो तो सरप्राइज है। जिन सेलिब्रिटी की वजह से इतना रश है, तुमने मनाया कैसे आने पे? बस उनको पता नहीं चलना चाहिए शेख साहब, मैंने उनको कहा है कि ड्रामे का शूट है, बाकी आपने संभालना। डन है, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। शुरू से लग रहा है कि शायद वो आ गई है। हाँ हाँ, मैं उनको लेकर आती हूँ। चलती हूँ, चलती। जी हाय, मैंने आपको बताया था ना। हाँ यार, बट आई मेरा शो है मेहमान कदरदान। जी मेहमान कदरदान, आई गेस हम लोग जा रहे थे सेट पे ड्रामे के। नहीं ड्रामा, वो ड्रामा इसी स्टूडियो में ही शूट होना है, यहाँ पे शूट होना है, तो पहले हम शो कर लें, शूट कर लें, फिर हम ड्रामा भी शूट कर लेंगे इसके बाद। प्लीज प्लीज कर ले, आप समझे ये ड्रामा ही शूट हो रहा है और मैं आपका हीरो और आप मेरी हीरोइन, में आपसे सवाल करो, प्लीज प्लीज मान ले। हाँ ठीक है, आई डोंट माइंड, आई थिंक शॉर्ट स्टार्टर में वैसे भी टाइम होगा। मैं आपको बहुत बड़ा सवाल, आप अच्छे करेंगे। जी जी हाँ, अच्छे सवाल करूँगा, बिल्कुल कोई ऐसा कोई मसला नहीं। अरे शोर बहुत हो रहा है, वो अच्छे जो है ना, पता नहीं कहाँ से आगे मैं कंट्रोल देती हूँ, कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका चहीता पसंदीदा और प्यारा सा होस्ट शेख कासिम, और ये मेरा प्रोग्राम मेहमान कदरदान, और मेरे साथ ये इतनी प्यारी स्टनिंग ग्लैमरस ये बंदी बैठी हुई है, इनका नाम है अना मुनीर। जी बिल्कुल, नीलम मुनीर। नीलम मुनीर, नीलम मुनीर, नीलम मुनीर कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। नामों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, मगर मैं आपको जानता हूँ, मेरी वो जो थी ना सेक्रेटरी, उसने नाम शायद नहीं इट्स ओके, वो भी लड़की है और मैं भी लड़की हूँ, तो मैं बिटवीन जो भी चल रहा होगा समझ सकती हूँ। आप इतने मशहूर हैं, आपको तो हर बंदा, बच्चा बूढ़ा जवान, हर बंदा जानता होगा। या जानते होंगे जब भी बाहर जाती हैं। हाँ कोई डाउट, मुझे भी लोग, नहीं नहीं मुझे भी लोग पहचानते, लोग कहते हैं अरे ये आप सचल असल में इतनी गोरी चिट्टी है या फिर चूना लगा होता है या कोई वाइट चीज़ आपने लगाई होती है? नहीं अब तो मैं बहुत टैन हो गई हूँ और मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन पसंद भी है, मैं कोई मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगता है, जब मुझे लोग कहते हैं बहुत फेयर गोरी होती थी इससे भी ज़्यादा। हाँ यार अब तो ऑब्वियसली टाइम्स चेंजेस, नो रेस्ट नो नथिंग, तो लेकिन आई डोंट माइंड कॉम्प्लीमेंट। आपने देखो अगर मैं काला था मगर आज मेरे ना डायरेक्टर ने फेस का कलर अलग है और हाथों का कलर अलग है, डायरेक्टर ने आज मुझे गोरा इसलिए किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करना था, और उसने तिल भी मुझे लगाया हुआ है कि अगर तिल लगे आप मेरे। आई सी, इस मैंने नोट ही नहीं किया, ये मेरा असली नहीं है तिल। हाँ आई नो, हाँ हाँ हाँ, आपका असली है? हाँ जी मेरा असली है, लेकिन कभी कभार लोग मुझे पिक्चर्स मिलते हैं, कभी राइट होता है कभी लेफ्ट होता है, कभी राइट होता है कभी लेफ्ट होता है, वो एंगल्स डिफरेंट होता है आई गेस, लेकिन ये है असली। यानी अगर आप ऐसी होती हैं तो आपका तिल यहाँ आ जाता है, जब आप ऐसी होती हैं आपका तिल यहाँ आ जाता है। पिक्चर्स कभी कभार जो साथ लोग लेते हैं वो रोटेट कर देते हैं, इसकी वजह से जो ना प्रोफाइल कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद ये फेक है, लेकिन रोटेट करते तो फिर आंखें आपकी यहाँ आ जाती होंगी, मुँह यहाँ चला जाता होगा। अभी तक तो नहीं गया, अभी उसमें शायद टाइम है, कोई 40-50 साल है। अच्छा अच्छा, वो वरना फिर कान यहाँ चला जाए, मुंह इधर चला जाए, बाल यहाँ आ जाए, हाँ दाढ़ी बन जाए, गंजा हो जाए बंदा, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं होगी मेरी फॉर से। आप मुझे शुक्र है हिल गई हैं, एक दफा मैंने आपको फेसबुक पे ना
मोबाइल कार्ड सेंड किया था, आपने कहा था मुझे कॉल करेंगे मगर आपके आज तक कॉल नहीं आई। अच्छा वो आपसे यूँ नहीं क्या, मैंने आपको 1000 रुपये का कार्ड लोड कराया था। आपने मुझे 1000 रुपये का कार्ड लोड कराया था। कितने का? 1000 रुपये। हाँ ठीक है, आपने मुझे कॉल ही नहीं की। हाँ 1000 रुपये में कौन कॉल करेगा। आप एक शो होस्ट करती थी इनसाइड आउट के नाम से, आपको वो याद है? बिल्कुल। मैं वेट करता रहा, मुझे आपने अभी तक गेस्ट में नहीं आज तक बुलाया शो में, क्यों नहीं बुलाया? काफ़ी लोगों ने मुझसे शिकायत की है इनफैक्ट। आप अगली बार होस्टिंग करेंगे तो मुझे शो में बुलाएंगे ना एज अ गेस्ट? सोचना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क में ले लूँगी। आपकी एक वीडियो थी जिसमें आप जिम में ना एक बंदे के साथ ट्रेनिंग कर उसके ऊपर लिखा हुआ था, वीडियो का नाम था स्कैंडल लीक वीडियो ऑफ नीलम मुनीरंजन। आई थिंक इट्स राइट और रॉन्ग, आई रियली डोंट नो। ठीक है, मेरा कोई स्कैंडल नहीं था अंदर, इसलिए आई डोंट माइंड। तो अगर 10 वीडियोस में और वो लिख देंगे तो आई डोंट माइंड इट अंटिल अनलेस मैंने कुछ गलत ना किया। जो एक वीडियो होती है ये क्या होती है, इनमें कोई छेद होता है या कुछ? कितनी वीडियोस देखते हैं आप? आप क्यों इतनी वीडियोस देखते हैं? आप इतने एड्स वगैरह करती हैं, आप चीज़ जब आप कुछ बेचती हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी बिक जाती है, मैंने सुना है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। मेरी घर पे एक साइकिल खड़ी, वो अभी तक बिक नहीं रही, लोगों को कहकर वो बिकवा देंगी। हाँ। कैमरे में कहें लोगों को कि शेख कासिम की साइकिल को एक खरीद लें, बहुत अच्छी है, प्लीज कह दे लो। अच्छा कैमरे जी, शेख कासिम की साइकिल को प्लीज़ आप ख़रीद लें, बिकॉज साइकिल के बहुत सारे फ़वाद हैं। एक तो ये है कि आप जो हैं आप साइकिल चला के अपना वेट कम कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज, आपकी बॉडी में एक स्टिफनेस आती है, तो हेल्थ जो है वो मस्ट और सबसे पहले है, तो आपने इनकी साइकिल लेनी है। नहीं, वो बताइए कि वो साइकिल ना चलती नहीं है, उसके पैडल भी ख़राब हो तो वो मैंने उतार दी, उसके ना टायर पंक्चर हो गए तो वो भी मैंने उतार दिए, किस लिए नहीं रही थी? बहुत ही अजीब बात है, मुझे एक ऐसी साइकिल की डील करवा दी। मैं तो शायद आप बेच दें, आप कहेंगे लोगों से तो शायद नहीं, मैं किसी गलत चीज के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। लाखों फैंस हैं आपके। हाँ तो वो गरीब है, उनका ख्याल भी रखना है, क्या मतलब है आपके चक्रों में मैं गलत डील बना के एक साइकिल। आप रंग करने वाली क्रीम बेचती हैं तो आप ये तो नहीं बताती ना कि मेरा रंग पहले तक गोरा था, ये यूज करके नहीं हुआ? हाँ तो क्रीम का इफेक्ट भी तो होता है ना, इतनी सारी मेड्स जो हैं वो गोरी हो चुकी हैं घरों में। अच्छा वो उन क्रीम की वजह से? हाँ ऑफ कोर्स। तो कोई फायदा तो आपकी साइकिल का तो कोई फायदा नहीं। मुझे भी अब निकलें हम साइकिल क्रीम आप लिए। मुझे भी देंगे सिर थक गए होंगे ना तो इनका ये तेल यहाँ से हटा के वहाँ पर लगा दो। गोरा मैं हो जाऊंगा ना वो यूज करके क्रीम जो आप बता रही है। कितने कॉशियस गोरा मैं, नहीं मैं गोरा हूँ होना चाह रहा हूँ ना और ज़्यादा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप वो क्रीम आपके पास तो होगी ना जो जो चीज़ आप सेल करते हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्रीम श्रीम नहीं लगाई। अच्छा आपकी वो कंपनी आपकी नहीं होती जिसकी आप ऐड कर रही होती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा किसी और की चीज़ होती है? ये गलत प्लेसमेंट पे नहीं आ गया? ओके ओके नहीं नहीं वो थक गया ना इसीलिए हमने चेंज कर दिया। नाक थक गया कि मैं तिल थक गया था? आपने जिस पहले पोजीशन पर लगाया था उस पे थक गया था थोड़ा। आप लग रहे हैं ना दूर के बगल में लंगूर। आपको वो लंगूर कह गई? वो अपने आप को हूर कह गई। ठीक अच्छा क्या कहते हैं आपका एक ड्रामा चल रहा है कैसी खुशी लेकर आया चांद, उसमें चांद आप है नहीं आप उसमें खुशी हैं है ना? हाँ उसमें खुशी हैं तो मुझे बताएं चांद आपको कहाँ से लेकर आया? आप आसमान में थी? हाँ जी बिल्कुल मैं आसमान में थी। तो आप चांद के पास इतना टाइम था कि आपको लाया? हाँ हर वक्त। अच्छा मैंने आपका एक वैसे ना शूट होते हुए एक सीन देखा था अब। अच्छा बारिश में? हाँ हाँ बारिश वाला सीन, तो आपने ऐसा सीन आपको ठंड नहीं लगी? मज़ा आया, एंजॉय किया, रोमांटिक सीन था, वाज फन। बारिश यानी आप कह सकते कि आपने बारिश वाला गाना किया हुआ? नहीं गाना नहीं था, गाना लेकिन सीन था। फिर क्या फायदा? अब ज़रूरी है आपने मुझे गाने में ही देखना है, सीन में नहीं देख सकते आप मुझे।
जाते हैं, जैसे आपको उधर से ऐसा तो नहीं अगर मेरे नाक में मक्खी बैठी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा है ना फील हो रहा है, बहुत सूट कर रहा है आप पे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा। हाँ हाँ हाँ, जब मैं ऐसे देखता हूँ ना तो मुझे ना मक्खी दिखाई दे रही है। इसका साइज इतना बड़ा है। आपको नहीं कभी कभार लगता है आपके मुँह के ऊपर मक्खी बैठी हुई है? भी तंग करती है आपको ये? आपको तिल तो नहीं तंग करता? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल विद इट। चलता है क्या? नहीं चलता है? मुझे क्यों पता चल रहा है कोई चीज़ मेरे? बिकॉज बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे है और आई थिंक इट्स बिग इस वजह से। और एक फेक चीज़ है तो इसलिए आपको ज़्यादा फील हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फील हो रही है। मुझे भी फील हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा अगर मेरी नाक ना हैवी हो गई, कोई मक्खी या कोई मच्छर कोई बैठ गया नाक में। नहीं, आपके दिमाग में कुछ बैठा। यू नीड अ चेकअप। नहीं, उसको उसको कहते हैं ब्रेन। हाँ, दिमाग के अंदर होता है ना। ब्रेन किसे कहते हैं? ब्रेन जो दिमाग के अंदर होता है, जो दिमाग के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक राउंड है, एक राउंड आपके साथ खेलना, उसका नाम है इशारे राउंड। मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करूँगा, आपने ना समझ जाना ये मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ? आपने बताना है मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी देर से वही कर रही हूँ। मुझे बताएं ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुँह छुपा रहे हैं, छुप रहे हैं। शर्म आ रही मुझे, थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है। क्यों? अच्छा मुझे बताएं ये मैं क्या कर जो आप एक्चुअली कर रहे हैं बोल नहीं सकते। वैसे तो आप आँख मार रहे हैं। मैं मेरी आँख ना फड़क रही है, आँख में थोड़ा मसला हो गया तो वो ना आँख ऐसे फड़क रही है। ऐसे नहीं फड़कती। नहीं नहीं, जो मेरी इस आँख में मसला होता है ये आँख फड़कती है, जब इस आँख में मसला होता है ये आँख। और ये मसाइल आपको कब से है? चुपके आप आई हैं, वो है ना, वो अपने वो अरमान पूरे कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? बहुत ही गंदा इशारा है ये। आप अपने आईब्रोज ऊपर नीचे कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे मेरा आए 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 हाँ हाँ लव। Exactly. तो अगर ये मैंने पूरा बोल दिया तो आप मुझे आगे से जवाब दे देंगे और ये रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे। सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। नो, नहीं, सॉरी, नहीं ऐसा करूँ। हर 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 सवाल का जवाब नहीं हो सकता। चलें अगला अगला इते, मुझे बताएं ये मैं क्या। आप क्यों सारी लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हैं? मुझे स्वाइंड नहीं है। या आप क्या कर रहे हैं? या आप मुँह छुपा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ घूंघट है दुल्हन। हाँ तो घूंघट मैंने बोल दिया। बनेंगी आप मेरी? ये मैं कह रहा हूँ इशारे में लास्ट। ओके, हम तुम चलते हैं कुछ इस टाइप का है। हम तुम भाग जाएं, भाग जाएं। हम तुम भाग जाएं, ये बताएं फिर इसके बारे में क्या करना है बताना। नहीं, है नहीं नहीं, मुझे बताएं। मैं कि अब मैं इशारे नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा। क्या? हम तुम भाग जाएं। क्यों? इससे पूछ वजह। चलो ना भागें। आप जितने मासूम दिखते उतना आप हैं नहीं। आपकी एक ना पिक्चर और है आपके ना हस्बैंड और बच्चे के साथ, पिक्चर हो गई थी लीक। ठीक है, आपके हस्बैंड काफी एजेड है, ठीक है, दाढ़ी है उनकी सफेद, और ये आपका छोटा सा बच्चा। तो ये कब आपने की शादी? आपने बताया क्यों नहीं किसी को? वो भांजा है मेरा, हसबैंड नहीं, हस्बैंड। अच्छा, नहीं ये फनी, ये फेक है? फेक है। सनम चौधरी के साथ भी फाइट चल रही है? हाँ बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे। ये अच्छा ये हाँ कला दुबारियाँ एक पीछे से जो एक्टर था उसको काट दिया, हम दोनों को निकाल के दूसरे का गला दबा के दिखा दिया। ये है मीडिया, गला दुबा के फन करते हैं आप। उसका और मजा है, कभी आप चांस दें तो। इसके माली आपकी बहन है ना? नहीं, उनका भी ये तिल है। हाँ लेकिन रिस मेरी बहन जल्दी आओ जल्दी। बहन नहीं है वो? नहीं, नहीं मुझे लगा थी। था शायद सारी जो तिल वाली होती है यहाँ से भी। कौन बहने अपने आप को कहती हैं? तिल बहन होता है ना एक, तिल बहन होता है। आपने इतने सारे मुझसे रिलेटेड सवाल। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं वो है
नाक बाई। आप प्लीज उठेंगे। आप नाक पे एक पेज भी हमने बनाया हुआ है नाक, हाँ? नाक के नाम से। तो हाँ? जो जो दोस्त है ना नीचे से कुर्सी भी उठा के नाकें हैं लंबी। एक में वो काम कर लें, आप काम कर लें, एक कर लें, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है। साथ साथ कहते हैं, मैं कह रहा हूं जैसे नाग भाई होते हैं, हम नाग भाई हैं। आप कितने एक साथ काम कर लेते हैं, कितने काम आप हम लोग पांच दोस्त हैं जो जिनके नाग ऐसे ही हैं, उठाते हैं तो उससे नाग से चीजें उठाते हैं। हां हमने ना कैसे रिकॉर्ड बनाया, लगाओ जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड बनाया। हम नाग से ना ट्रक खींचते हैं, गाड़ी खींचते हैं। अब ये पता करना पड़ेगा कि आप नाक किसे बोलते हैं। नहीं, नोज 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 नोज, ये जो है ये नाक से आप चीजें खा लेते हैं। कितना नजर आ रहा है, चीजें नहीं खाता, उठाता हूँ नाक से, चीजें नाक से मैं ट्रक खींचते हैं गाड़ियों और पार्क पर। बिल्कुल और इस तरह से आई विश आपका ये ख्वाब कभी पूरा हो, जो सपना आप देखते आ रहे हैं वो कभी ना कभी पूरा जरूर होगा। इतना जालिम कलर पहना है, मैंने सुना था आपको ना हरदा खाना बहुत बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए ये कपड़े अच्छे से ना सफाई करना। अच्छा पहने ये थोड़ा सा था, हाँ यहाँ पे भी आप ऐसा करें, जल्दी जल्दी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाओ। अच्छा पर क्या आप यहाँ पर आए, जगह साफ करें। अच्छा वो मैं कहता आपसे दिल की भूख में थोड़ी सी जगह है, तो एक पेज खाली होगा, आधा पेज खा लिया आपके लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। चलो 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 आप कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। बैठ बैठ हो गया। अच्छा एक एपिड बाय राउंड होती देर में खेल लेते हैं, मैं एक लफ्ज बोलूंगा आपके जहन में कुछ भी आएगा फौरन मुझे कह देना प्लीज, लेट नहीं करना। आपके तेल में जो है ना आज आपने क्या देना है प्लीज, तेल अमेजिंग, बिजली का बिल ऑसम, गुलाबी माय फेवरेट, गोरी नॉट गुड, फॉरेन आई लव इट, आई डू एवरीथिंग क्विकली, ये ये प्यार होना चाहिए, मोहब्बत जरूरी है, दिल हर एक के बस की बात नहीं, फेफड़ा, फेफड़े के बारे में कभी सोचा नहीं, आई एम सो सॉरी, आई यू लव अगेन, लव जरूरी है, यू कंप्लीट इट, एंड वाला भी बोल दें, नो नो यू वेरी मच व्हाट, बस बस इतना, नहीं 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 पूरे पॉइंट आप जीत गए, बस आप समझ जाएं, बस मुझे जीत गए आपसे। कितने साल पहले आपसे मिलता, आप मुझसे 7 जन्म पहले तो भी मिलते, तब भी कोई फायदा नहीं होना, जब दुनिया पत्थरों के जमाने में होती तब आप मुझसे मिलते, तब भी कोई फायदा नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान ना होता, सिर्फ मैं होते और आप होते, तब भी नहीं, हाँ सॉरी, अगर पूरी दुनिया ना होती इतनी बड़ी सजा, मुझे आई विश के मुझे शुक्र है कि मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिली, पूरी दुनिया में सिर्फ हम दो होते तब भी नहीं, मैं खुद ही अपने आप को मार लेती। नहीं ऐसे तो ना कहें, बहुत बोरिंग हो जाती दुनिया, हम एक साथ लाइफ गुजारते हैं। एक सिचुएशन राउंड खेलें, एक प्लीज सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा एक्ट करना है। अच्छा ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। सिचुएशन ये है कि ना कुछ ऐसे बंदी होती है जिनके रिश्ते बहुत आते हैं, मगर उनकी ना हानि होती, तो आपके लिए एक रिश्ता आ गया, ठीक है कोई, ठीक है तो आपने की पहली दफ़ा उससे मुलाकात हुई है, तो आप कैसे उससे इम्प्रेस करेंगी कि आपसे वो शादी कर ले। ये रिश्ते के लिए आए हैं आपके लिए, आपके फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है, तो आप कैसे इन्हें इंप्रेस करेंगे, इनसे क्या पूछेंगे और अपने मुतलबे क्या बताएंगे? पेरेंट्स वगैरह बाहर चले गए, उन्होंने कहा आप लोग अकेले में बात करें, हाँ ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम कैसे बात, हाँ जी चलो ये मैं पहुँच गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहिए ना। आप भी तो कुछ कह सकती हैं, आप शुरू करें। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है हैंडसम खान। आप अपने मुतालिक थोड़ी बताएं, आप क्या करती हैं, आपका क्या शौक है?
मैं कुछ भी नहीं, बस मैं पूरे दिन फारिग ही रहती हूँ, फ्री होती हूँ, बस हर वक्त फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ, फेसबुक यूज़ करती रहती हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर एप्लीकेशन है मेरे। मैं मुझे तो वैसे घरदार बंदियाँ ज़्यादा पसंद है। आपको खाना बनाना आता है? नहीं जी, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपके लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ बनाना। आपको कपड़े धोने आते हैं? कपड़े धोने भी नहीं आते हैं। बर्तन धोने तो आते होंगे? हाँ, बर्तन धोने। आपको बच्चे संभालने आते हैं? नीड प्रैक्टिस। आपको ये फेसबुक फोन यूज करने के अलावा क्या आता है? झाड़ू पोछा कर लेती हूँ मैं। कर लेती हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। हमें वैसे एक काम वाली ही चाहिए थी। तो आप फिर कब तक शादी का इरादा है आपका? अब तो आप बिल्कुल शादी के बारे में ना सोचो, क्योंकि जो डायलॉग आपने बोला है कि जो है ना, जो लड़कियां झाड़ू पोछा देती हैं वो बस मासियां ही हैं, तो मासियों की भी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, और मेरी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल। नहीं, ये देखिए, मैं स्पेशली आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। ये देखें, इतना तैयार शहर कर रहे हैं, मैं इतना हैंडसम हूँ, तो आप ना तो ना करें। आपने ना उन्हें किया ना, तो मुझे तो हाँ है ना। ना और हाँ अगर दोनों ना लिए जाए तो इसका क्या मतलब होता? खामोश खामोशी कभी आपने जिंदगी में अख्तियार किया अपने? इरन ऐसा करो, ये फुआद खान आपका हो गया, इन्हें अपना ये जाए इन्हें आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, ए सरफराज, ठीक है, सरफराज कहते सब कि वो धोखा नहीं देगा। मैंने सुना है उन्होंने शादी करके आपको धोखा दिया, बात ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने टीवी में कहा था, मैं इंटरव्यू खुद सुना था, कि आपको सरफराज पसंद है। आप सुनते कुछ है मेरा ख्याल है, वो मैं मुझे याद है आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। उन दिनों में सरफराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, राइट? ऐसी ऐसी। सो मैंने कहा वो आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा था कि मुझे पसंद है। फिर मैंने सरफराज का भी इंटरव्यू देखा था, उनसे आपके मुतल्लिक पूछा गया था, तो वो कहते हैं कि वो भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपको वो पसंद करते हैं, मगर उन्होंने शादी किसी और के साथ क्यों कर ली? क्योंकि हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही था, एंड सवाल ही नहीं पैदा होता। लाइक उन्होंने लव मैरिज की है, और कोई किसी को पसंद कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि इससे शादी कर लो। हर इंसान की सोच आपकी तरह नहीं होती। आप फेसबुक पे अफरीदी की चीज़ें बहुत करती हैं शेयर जी, वो आपको पसंद है? एक आइडियल होता है, और एक जो इंसान आपको पसंद होता है, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी में जिसको देख देख के आप खुद कुछ बनने की कोशिश करते हैं, सो यस, ही इज़ शाहिद अफरीदी, बिकॉज मैं उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूं। एक और अफवाह फैली थी कि अफरीदी और सरफराज में कप्तानी की वजह से लड़ाई फाइट नहीं हुई, आपकी वजह से हुई है। अमिर, आपने मुझे क्या समझा? ये बात सही है क्या गलत है? नहीं देखें, आप मुझे शायद एम्पायर समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की। मुझसे आप शाहिद अफरीदी और सरफराज का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो ज़िंदगी में और भी काम है। आप ये सवाल पूछ के आप दूसरों की ज़िंदगियों को भी मसाइल क्रिएट करने वाला करते हैं। अगले वो शौक है ना, क्रिकेट का मुझे शौक है, अब शायद वो अब बिकॉज लाला नहीं खेलेगा तो वो भी शायद अब मैं ना देखूं, क्योंकि और कोई क्रिकेटर आई डोंट लाइक वैसे खेलेगा। जो होता है PSL में पेशावर की टीम में, हाँ इंशाल्लाह, सो दैट आई विल वॉच, खेलेगा ना। हाँ। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत से एक्टर्स ने आपको आई लव यू कहा हुआ है। बहुत से एक्टर्स ने, हाँ, ड्रामों में कहा हुआ है। मैं आपको प्रपोज करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ना कीजिएगा, थैंक यू। विल यू बी माय फेसबुक फ्रेंड? प्रपोज करूंगा। ओह गॉड, मान जाए फेसबुक फ्रेंड? हाँ, नेवर माइंड, थैंक यू। इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है? हाँ, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगी। आपके अम्मी अबू इस टाइम ये शो देख रहे होंगे ना? देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं अभी उन्हें कुछ कह दूं अगर आप? हाँ प्लीज। पुराना मनाए किला मुनीर के अम्मी अबू, आप मुझे देख रहे होंगे, आपको मैं कैसा लगता हूँ और इनके साथ में आपको कैसा लग रहा हूँ? अगर अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी, प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है शेख कासिम हैंडसम
एट द रेट ऑफ क्या होता है मुझे बताएं, ये जो प्यारी बंदियां होती हैं ठीक है, उनकी अगर शादी होगी हो तब भी गुस्सा आता है कि इसकी क्यों शादी हुई, और अगर शादी ना हुई हो तो लोग कहते हैं इसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों होता है? आई गेस वी डन, आई हैव टू गो ऑन सेट. ठीक है ठीक है ठीक है, सेट इधर ही होगा ड्रामे वाले पर. नहीं तो आई डोंट हैव टाइम, आई गेस हम ज्यादा बातें कर ली. किरण किरण जी गेम ले आओ, बोर हो रही हैं तो मैंने ना गेम खेलते हैं, बस बोर हो रहे हैं हम. कौन सी आपको बताना, ग्रीन रेड ब्लू के येलो? वैसे तो लूडो खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास. नहीं है टाइम, हम जल्दी जल्दी खेल लेते हैं, जल्दी वाली खेलेंगे. चलो चलो, मेरी बारी पहले. छः आ गए पहली बार, बारी में छः आ गए, छः चार. चल चल अब मेरी बारी. हाँ ओहो नहीं आया, नहीं आया. गॉड सब छः आ गए, असल में छः आ गया. छः ओए फिर छः आ गया, ये आपका छः आ गया, फिर छः आ गया. एक और छः आ गया तो बारी कैंसिल. ओए डबल छः दो, अब मैं भी जीत गई हूँ. अब मेरी बारी. अच्छा हम दोनों अब नेक्स्ट टाइम घर में एक साथ हो फाइनली. ATV सारे रंग हमारे.